बहू का दर्द जाने क्यों आज अपने बेटे प्रतीक का पक्ष ले रही सीमा को मन ही मन दुख हो रहा था। अपनी सासू बहू तारा के लिए क्योंकि वो गलत का साथ दे रही थी। ऐसे पति के साथ कोई रह भी कैसे सकता। बस सीमा तो अपने बेटे की उजड़ती गृहस्थी को नहीं देख पा रही थी, इसलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। बहू तारा ने जब सीमा के पांव पकड़ सही का पक्ष लेने को कहा तो सीमा की रुलाई फूट पड़ी और बोली, बेटी समय रहते अगर मैं इस बेटे का पक्ष न लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो। तारा ने सीमा को गले लगा लिया और बोली, आप अब सही हो माँ, मेरा पक्ष ले आपने मुझे बहू से बेटी बना लिया, लेकिन इन हालातों के प्रतीक के साथ रहना मुश्किल मुमकिन नहीं। अब छोटू पर भी इन परिस्थितियों का असर होता रहा है। वो मुझसे अपने पापा के बारे में जो सवाल पूछता है उनका मैं क्या जवाब दूं। सीमा निरंतर थी, उससे भी कभी कभी सहमा सा छोटू अपने पापा के व्यवहार पर सवाल करता, लेकिन उसके पास कोई जवाब न होता। नशे में प्रतीक के बहकते कदम और उसकी नशे में बोली जाने वाली गाली गलौज करना, साथ ही तारा को मारना, ये सब दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा था। फिर छोटू तो बच्चा था, सीमा को अब अपने बरसों पहले की गलती का एहसास हो रहा था। प्रतीक जब 20 वर्ष का होगा तब एक बार अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आया, तब उसके पापा ने उसे बहुत डांटा व पिटाई की, तब सीमा ने बीच बचाव किया। उसके बाद जब भी लेट आता घर का दरवाजा खोल दो, चार बात कह सो जाती। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। कुछ वर्षों बाद प्रतीक के पापा एक दुर्घटना में जब चल बसे, अब उस पर कोई रोक टोक ना थी। शादी के वक्त कुछ संभला रहा, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती है। वो फिर इसी राह पर चल पड़ा। रोजाना के झगड़े शुरू हो गए। इसी दौरान तारा की गोद भर गई, घर का खर्च भी भर गया। ऐसी स्थिति में तारा ने नौकरी ढूंढ ली। वो छोटू के साथ अपनी खुशियां ढूंढने लगी, लेकिन प्रतीक ने अपनी लत न छोड़ी। कई बार तारा ने अपनी सास सीमा से शिकायत की, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उसी शराब के नशे में झूम रहा था। तारा ने कई बार तलाक की धमकी दी, लेकिन प्रतीक पर कोई असर न हुआ। आज तो हद ही कर दी। तारा के शराब पीने को रुपये न देने पर मासूम छोटू के सामने तारा से मारपीट करने लगा। सीमा का बीच बचाव भी कुछ काम न आया। छोटू सहमा सा सब देख पलंग पर चादर से मुंह ढक लेता था। सहमे छोटू को देख सीमा ने उसी वक्त तारा से कहा, कब तक इस शराबी जुआरी के साथ अपने व छोटू का जीवन बर्बाद करती रहोगी, जल्द ही कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दो। अपने बेटे के कारण पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। तुम भी जो सजा काट रही हो उससे मुक्त हो जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। बहू मैं तुम्हारा ये दर्द और सहन नहीं कर सकती। तारा अवाक से सीमा को देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सास एक दिन उसका तलाक में साथ देगी। सीमा आज चुपचाप सी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, तभी तारा सीमा के पास आकर बैठ गई। उसने देखा उनकी आंखें भीगी थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। तारा ने चादर उड़ाते हुए कहा, माँ सच आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरे व छोटू के लिए ये सब फैसला लेकर साबित कर दिया। सुबह सीमा ने तारा को अपने कंगन देकर कहा, जब भी रुपया पैसा चाहिए इन्हें भेज देना, मेरे बेटे के कारण बहुत कष्ट देख लिए, जा आज कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दे। तारा की आंखों में आंसू थे। वो आज समझ नहीं पा रही थी कि सीमा के इस फैसले पर क्या करे। तभी सीमा ने कहा, बेटा अपने छोटू के बारे में सोच, प्रतीक का जीवन तो बर्बाद हो ही चुका है, उसके कारण मैं अपने पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जाओ, वकील साहब से मैंने बात कर ली है, वो इंतजार करते होंगे। अंदर के कमरे से शराबी प्रतीक बड़े आराम से उठकर तारा को आवाज लगा रहा था, लेकिन नन्हा छोटू दादी से चिपक कर सो गया। तारा अपने बेटे के लिए पर्स उठाकर वकील साहब से मिलने के लिए निकल चुकी थी।